पिता बहन तुम्हारी माए भतीजी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे बूथ के कार्यकर्ता को विधानसभा का टिकट दे के सम्मानित किया है। और रही बात मुद्दों की बात, जो दोनों विधायक पूर्व रहे हैं चाहे मौजूदा विधायक रहे हैं, इनको पब्लिक ने पूरी तरीके से क्षेत्र में नकार दिया है। आपको भी जानकारी आ रही होंगी कि पूरी तरीके से हर गांव में इनका विरोध हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पब्लिक का कहीं कोई किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं दिया है। जो मुद्दे वहां के रहे हैं, जो भी चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो गांव की रोडें हों, सब वैसे वैसे जर्जर पड़ी हुई हैं। इन सब मुद्दे को लेकर मैंने क्षेत्र में जो है पब्लिक ने मुझे आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं क्षेत्र में जो है राजनीति में आप अपनी शुरुआत कर रहे हैं, इसके पहले के चुनाव में जब रामवरण प्रत्याशी थे बसपा से तो सेकंड नंबर पर थे, तो क्या लगता है युवा चेहरे के ऊपर जनता कितना भरोसा करेगी और कितने वोटों से आप विजयी होंगे या क्या पोजीशन रहेगी आपकी? जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है परिवर्तन का वहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से दोनों का बराबर का विरोध है। और रही बात बसपा हमेशा वहाँ सेकंड नंबर पर रही है, जहाँ पे हम लोग डिफीट खाते थे, जहाँ पे हम लोग कमज़ोर होते थे, आज वहाँ पर हम पूरी तरीके से मजबूत हैं और वहाँ की जनता ने मन बना लिया है आशीर्वाद देने। राजनीति में उतरे ऐसे कौन विशेष आपके मुद्दे होंगे कि मुझे ये अगर मौका मिलता तो आप कार्य कर सकते, क्या आप सोच के बैठे हुए? हमारा सबसे पहला प्राथमिकता है, जो सबसे बड़ी बात है, शिक्षा। हमारी विधानसभा में ना ही कोई ठीक से डिग्री कॉलेज है और ना ही कोई सही से चिकित्सा है, ना ही कोई सही से कोई अस्पताल बने हुए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैंने क्षेत्र में जनता से वादा किया है कि मैं पहले इसको बेहतर करने का काम करूंगा।